शंभू राजा अब एक बहादुर पिता के बहादुर बच्चे नहीं रहे, वो एक शेर बन गए। अब शंभू राजा की दहाड़ हर तरफ सुनाई देगी। उस औरंगजेब को दिल्ली की तख्त से नीचे गिराकर हमारे महाराज को उस तख्त पर बैठे हुए देखना है, तो जिस तरह जीते हुए हर एक किले के मीनार पर भगवा लहराना चाहिए, उसी तरह हमारे खिलाफ हारने वाले हर एक इंसान के मन में स्वराज्य के लिए प्यार जागना चाहिए। वही असली जीत होगी। ये सुरानी, तैयार हो जाइए, युवराज हमारे महल की तरफ आ रहे हैं। भगवान, आरती की थाली तैयार करो। जी। आप कितने भी बड़े हो जाएं, कहीं भी रहिए, फिर भी हम आपको पहचान लेंगे। ये सुरानी, युवराज जी आ गए, मतलब आते ही होंगे। हे भगवान, आज कितने दिनों बाद हम युवराज को देखेंगे, हम उन्हें देख पाएंगे ना? नहीं, हमारे भीतर तो इतनी हिम्मत ही नहीं है, पर देखना तो पड़ेगा ही ना। कैसे आएंगे वो हमारे सामने और कैसे दिखते होंगे वो? क्या कहकर पुकारेंगे वे हमें? युवराजनी कहेंगे या येसु? दादा साहब, राजा हम जीत गए इसलिए आपने शक कर दी ना? जी, पर आपको कैसे पता चला? हमें सब पता चल जाता है, जादू। ये आपके हाथ ना शक्कर बांट बांट के मीठे हो गए, बिल्कुल आपकी तरह। ठीक है। बाल राजा, आपको हम आराम से बताएंगे? नहीं, हमें अभी बताइए। बाल राजा, फिर सभी हमसे पूछेंगे ना कि मेरे भैया ने क्या पराक्रम किए, और फिर हमें चुप बैठना पड़ेगा, बताइए ना। ठीक है, बताता हूँ। चलिए, वे आ गए। युवराज नजदीक आ ही गए थे, लेकिन बाल युवराज उनके समक्ष आ गए और उन्हें साथ लेकर गए। फिर तो वे उन्हें कुछ समय के लिए नहीं छोड़ेंगे। फिर आप जाइए ना बाल युवराज के पीछे। जाऊं? परंतु ऐसा अच्छा दिखेगा क्या? कोई बहाना करके जाइए ना, फिर आपको सामने देखकर जल्दी आ जाएंगे युवराज। जाइए।
हम आपको जगाने के लिए आए, हम ऐसी छोटी मोटी काम नहीं करते, हम युवराज हैं। और हम भी युवराजनी हैं। बाल राजा। भाभी आप? बाल राजा, आपके शंभू दादा आपके साथ थे ना? थे तो, पर आपका पैगाम आया और वे चले गए। हे भगवान! पर हम आपसे खफा हैं। हमसे? ऐसा क्यों? आपके शंभू भैया को बुला लिया इसलिए? और नहीं तो क्या, करीम खान को मारने की कथा अधूरी रह गई ना। हे भगवान, क्या पूरी कथा सुनाने का विचार था? और नहीं तो क्या, हम कहेंगे आपके भैया से कि वो आपको पूरी कथा सुनाए, फिर तो आपकी नाक में चढ़ाई गुस्सा कम हो जाएगा। वादा भूलिएगा मत। ठीक है बाल राजा। बाल राजा, अभी हम चलते हैं, आपके भैया हमारी राह देख रहे होंगे। ठीक है। भगवान, अभी तक आप मिले नहीं लगता है, युवराज को महल की राह दिखी नहीं शायद। रुकिए, हम अभी जाकर उन्हें हाथों से पकड़ के ले आते हैं। देखिए, नहीं आप रहने दीजिए, क्योंकि उनकी राह देखने की इच्छा मिट गई। अब आप जाइए, हम आरती की थाली यहीं रख देंगे। और हाँ, अब आप देखिएगा, हम उनसे बात ही नहीं करेंगे। अगर आप उनसे नहीं बात करेंगे तो वो बात करेंगे आपसे। वो लाख बात करें मगर हम गुस्सा ही रहेंगे। देखिए, गुस्सा हो या फिर शेर, युवराज के सामने कोई नहीं टिकता। परंतु हम जो उनकी राह देख रहे हैं उसका कोई मोल नहीं है क्या? कितनी देर पहले आए थे, पूरी दोपहर निकल गई और शाम होने को आई है, फिर भी हमें अभी तक मिलने नहीं आए। अब तो हमें उनसे बात ही नहीं करनी है। सोच लीजिए, अटल है ना, नहीं तो आप ऐन मौके पर पिघल जाएंगी। आप देखिएगा, हम ना ही पिघलेंगे और ना ही हार मानेंगे, अटल रहेंगे हम। जरा देखिए, अब तो हमारे दिए का तेल भी खत्म होने लगा है, तो अब क्या रात्रि हो गई है? और नहीं तो क्या, यह अन्याय होते हुए हमें भी दिख रहा है। लेकिन हम कह भी क्या सकते हैं, सबको मिलने का समय है युवराज के पास, परंतु अपनी पत्नी जो कब से सज धज कर बैठी हैं, उनकी याद भी नहीं आई। आदमी को सबसे पहले अपनी पत्नी से मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ तो सब कुछ उल्टा ही हो रहा है। चलिए चलिए, हो गई सब तैयारियाँ। कैसी तैयारी? मतलब इतने दिनों से आप जिस बात के लिए तड़प रही थी ना, उसी की तैयारी चल रही है। शंभू राजा से मिलना है ना? नहीं। हाँ? बहुरानी, बड़े होने के बाद आप दोनों पहली बार एक दूसरे से मिलने वाले हैं,
उसी की तैयारी चल रही है। आप दोनों आज एक दूसरे का चेहरा इस घी से भरे बर्तन में देखेंगे। क्यों? अरे क्यों क्या, आप दोनों इतने सालों बाद एक दूसरे को देखेंगे, आपकी नजरों की तीव्रता कम हो जाए, उसी के लिए ये रिवाज है। और नहीं तो क्या, आप तो आंगन में चलते हुए अपने आप में खोए हुए थे। हमने शंभू राजा को छुपा कर रखा था और उनको सख्त निर्देश भी दिया था। क्या आप भी ना, हम तो केवल उनके हाथ का घाव देखने के लिए। ये बात है, आपको सिर्फ उनके हाथ का जख्म देखना था। हाँ महारानी, अब आपको इन बातों की आदत डालनी होगी। और जख्म तो योद्धाओं का अलंकार होता है। जी सब हो गया। सुनिए धारा, आप राजकुमार शंभू को बुलाइए। जी बहुरानी, यहाँ बैठिए। शेवंता, कौशल्या, बीच में पर्दा लगाइए। आइए बैठिए। उन्होंने एक दूसरे को देख लिया ना? चलिए अब पर्दा हटाइए, आप दोनों एक दूसरे को जी भर के देख लीजिए। येसु, यशोदा, कितनी बड़ी हो गई हो आप भी ना, पर हमने पहचान लिया आपको। हमने भी तो पहचाना आपको। कैसे? बचपन में आपके गाल पर मुस्कुराने पर खड्डा पड़ता था, आज भी वो बिल्कुल वैसा ही है। हमारे गुल का रहने दीजिए, आप पहले मुझे अपना घाव दिखाइए। रहने दीजिए। हमें पता चला, वैसे ही हमारी आधी जान निकल गई थी। आप डर गई? तो फिर? छत्रपति जी की बहू भी डर जाती है, ये हमें आज पता चला। अब यूं बातों की तलवार मत चलाइए, घाव देखने दीजिए, हम अच्छे से मलहम पट्टी कर देंगे, दो दिन में ठीक हो जाएंगे आप। जल्दबाजी मत कीजिए, अब घाव भी आपका है और हम भी आपके ही हैं। यीशु, आप कितनी फिक्र करती हैं मेरी, और हम, सच तो यह है कि हमें श्रृंगारपुर आना चाहिए था आपको लेने के लिए, पर अचानक से मुहिम पर जाना पड़ा। सच कहें तो अगर आप मुहिम छोड़कर आ जाते तो हमें उस बात का बहुत बुरा लगता। जो भी किया अच्छा किया आपने, पहले स्वराज जरूरी है। लेकिन स्वराज्य की युवरागी भी उतनी ही जरूरी है। उसके बाद पता है, एक और बात के लिए हमें आप पर गर्व हो रहा है। आपने रास्ते में फंसी हुई औरत को अपनी पालकी दे दी और घोड़े पर सवार होकर रायगढ़ आ गई। रानी माँ ने हमें पहले दूसरों की मदद करना सिखाया है, बताया है, और बस वही किया हमने, और कुछ नहीं। यीशु, आपकी तरह हमने भी बहुत कुछ सोच कर रखा हुआ है। क्या सोचा हुआ है? आइए। Thank you.
है हमारा हिंदुस्तान। यह है मुगल। यह आदिल शाह, कुतुब शाह। यहां पर सिद्धि, यहां पर पोर्तुगी। और ये भगवा मतलब स्वराज्य। ये सू गौर से देखिए, मुगल साम्राज्य हमारे स्वराज्य से 100 गुना बड़ा है, 100 गुना। लेकिन फिर भी मुगल हमारे पिताजी से डर रहे हैं। आज स्वराज्य के किलों की संख्या 300 है, हमें वो संख्या 3000 तक ले जानी है। युवराज, येसु किसी भी स्थिति में रानी माँ और पिताश्री का सपना हमें पूरा करना है। स्वराज्य को बढ़ाना भी है और उसकी रक्षा भी करनी है। येसु, उसके लिए आपको हमारे कंधे से कंधा मिलाकर हमारे साथ मजबूती से खड़ा होना होगा। रहोगी ना? जरूर। अवसर आने पर ढाल तलवार लेकर लड़ना पड़ेगा। अब चूल्हे के पास बैठने के अलावा तोपों के बगल में दिखनी चाहिए, तब हमें बहुत खुशी होगी। बाल बच्चों में मन बहलाने से अच्छा प्रजा ही हमारे बाल बच्चे हैं, और स्वराज्य को बढ़ाना यही हमारी दुनिया। येसु, जिस तरह रानी माँ पिताश्री के साथ मजबूती से खड़ी रही है ना, वैसे ही आपको हमारे साथ खड़े रहना है। आपको पूरी तरह से तैयार होना पड़ेगा। हम पूरी तरह से तैयार हैं। येसु, आप हमारी पत्नी हो, लेकिन उससे भी ज्यादा आप हमारी दोस्त हैं। जी युवराज। हे भगवान, सुबह हो गई। बात करने में वक्त चला गया, आपके साथ बातें करते करते सुबह हो गई, पता ही नहीं चला। हो गए क्या जगदीश्वर के दर्शन? हाँ, अभिषेक किया, पूजा की, बहुत अच्छा लगा। वो तो है ही, एक वो शंभु भगवान अपनी दृष्टि रखने वाले, और ये शंभु राजा आपके पति हैं। ठीक कहा ना, भगवान की तरह। रात को देर तक दिए जल रहे थे, लगता है हाथों की मरम पट्टी हो रही थी। धरा बुआ, अगर आप हमें ऐसे ही चिढ़ाती रहेंगी तो हम आपसे बात नहीं करेंगे। गुस्सा आया है, लेकिन दूर कहीं चोर दरवाजे के पास ही खड़ा है। किला चढ़कर कभी का ऊपर आ जाना चाहिए था, पर वो आने वाला नहीं है। हम तो बस घाव पर मरहम पट्टी कर रहे थे। युद्ध में घायल हुए हैं हमारे बेटे? धरा भुआ, अब ठीक ही है ना? सामने शत्रु भी बड़ा जालिम था। अभी ना, कयूम खान। बस कीजिए। आप जरा चुप बैठेंगी क्या? हे भगवान, युवराज कहाँ चले गए? अब हमसे क्या पूछ रही हैं? अपने लोगों पर खुद ध्यान देना चाहिए। बताइए ना, हमें कहाँ गए वे? कहते हैं ना, खुद का पागलपन खुद को अच्छा लगता है। गए हैं तालीम खाने में। देखिए, हाथों का घाव अभी तक गीला है, और फिर भी अब इन्हें... उनको ये कौन समझाएगा? आप खाने की तैयारी कीजिए और दूध गर्म कीजिए, हम लेकर आते हैं उन्हें तालीम खाने से। जैसा आप ठीक समझें। ठीक है, आती हूँ मैं। जैसी चाल है धर्म का रखवाल है, काल का भी काल है, ये रत्न सा विशाल है।
कीर्तिवान शौर्यवान राजसी छात्र बुद्धि वीर आ गया। प्रजा की रक्षा के लिए स्वराज्य का है कर लिए भिन्न दस्त सूर्य आ गया। कितनी बार कहा ऐसे अचानक बीच में मत आया कीजिए, हमारा ध्यान रहता है नहीं रहता है। युवराज घाव अभी गीला है, घाव गहरा है, वो ठीक हो जाए फिर करिए तालीम। युवरागी हम हमारे अपमान की याद है, इसे संभाल के रखिए। दाग लगा हुआ जामा संदूक में क्यों रखना है? हमने कहा ना रख दीजिए फिर रख दीजिए। हे भगवान, तभी हम सोच रहे थे गुस्सा इतना बेकाबू कैसे हो गया। कपड़े पर ये दाग फीका लग रहा है, बहुत समय बीत गया इसलिए क्या? नहीं, वो कय्यूम खान के खून से ये दाग फीका लग रहा है। येसु, जब तक पूरी मुगल सल्तनत का खून हमारी तलवार से बह नहीं जाता ना, तब तक इस कपड़ों पर का दाग मिटने वाला नहीं है। लेकिन उसके लिए खुद का ध्यान रखना पड़ेगा ना। दूध पी लीजिए। रुकिए। क्या हुआ? मलाई जम गई होगी, हम निकाल देते हैं। दूध के ऊपर की मलाई अभी तक याद है आपको? मलाई भी ध्यान में है और उसके ऊपर आपका गुस्सा भी ध्यान में है। एक बात पूछूं? दूध के ऊपर की मलाई तो याद है और कपड़े पर लगा दाग भी आज तक याद है, लेकिन कल की एक बात तो आप भूल गए हैं। कल की बात कौन सी? हमने आपकी आरती उतारी पर आपने दक्षिणा नहीं दी। सच में हम भूल ही गए, लेकिन अभी बोलिए क्या दे आपको? आपका समय। हमारा समय किस लिए? कय्यूम खान के युद्ध में आपका किया हुआ पराक्रम हमें आप ही के मुंह से सुनना है। ठीक है, तो येसु हुआ ऐसे? हमें जरा बैठने तो दीजिए। आइए। अब गौर से सुनिएगा, डर के मारे बदन के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हम अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। बहुत अच्छा, तो येसु हुआ कुछ ऐसे? कय्यूम खान का किला जीतना बड़ा मुश्किल है, बहुत कठिन रास्ता है। उसमें कय्यूम खान बहादुर लड़ाऊ सेनापति, हम कय्यूम खान के सामने गए, कय्यूम खान भी सामने खड़ा हो गया, तलवार से तलवार भिड़ गई, बहुत बड़ा युद्ध हुआ और कय्यूम खान मर गया। बहुत बड़ा युद्ध हुआ,
और कयूम खान मर गया। युवराज आगे क्या हुआ? युवराज, युवराज गए, चले गए, हमें इस तरह से फंसाकर चले गए। हम क्या कयूम खान है कि हमें इतनी आसानी से फंसाकर चले जाएंगे? ये सुरानी है हम, अब हम छोड़ेंगे ही नहीं युवराज से सब सुने बगैर। जल्दी से तोप को तेल लगा लीजिए। आज ही। जी युवराज। जल्द से जल्द शुरू कीजिए। जी युवराज। आप आगे क्या हुआ? क्या उस मुश्किल किले पर कैसे हमला किया आपने? येसु, येसु अपने ही मुंह से हम अपनी पराक्रम कैसे बता सकते हैं? फिर येसु, इंसान को ऐसा काम करना चाहिए कि शायरों को शायरी करनी चाहिए, सह्याद्री की पहाड़ी पर से शब्दों की नदियां बहनी चाहिए। येसु पिता श्री ने अफजल खान का वध किया ना, तभी शायर आगरदास ने उस पर शायरी की थी और एक शेर सोने के कड़े का हकदार बन गया। मतलब आप हमें नहीं बताने वाले? येसु, येसु खुद के ही मुंह से खुद की प्रशंसा कैसे करूं? ठीक है, मत बताइए आप हमें, और अब आप कभी हमें बताना चाहेंगे तब भी नहीं सुनेंगे। गुस्सा हो गई? फिर क्या करेंगे? हम इतना पूछ रहे हैं आपसे, तो आप क्यों टाल रहे हैं? ठीक है, हम शाहिरों को बता देते हैं। हमारे लिए आप ही शाहिर हो, आप ही बता दीजिए। येसु, मानना पड़ेगा जिद की बैठक बड़ी पक्की है आपकी। आप घोड़ा भी अच्छे से चलाती हो ना? देखिए, एक बार फिर से आपने बात को घुमा दिया। बताते हैं, कयूम खान के मुहिम की सारी बातें बताएंगे आपको, पर यहां नहीं, बाहर। घोड़ा तैयार है जिन के साथ? चलिए। हम घोड़े पर सवार हैं और युवराज के कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रहे हैं, और वो भी महल के बाहर। हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा है युवराज। विश्वास तो हमें भी नहीं हो रहा है, है ना? वैसे तो आज भी एक जरूरी काम था शिवा पठन में, फिर रद्द कर दिया। परसों की लड़ाई में तंबू रावते के कपड़ों का भारी नुकसान हुआ था, तो एक बार जाकर देखना था। फिर वापस चले जाइए घोड़ा लेकर। गुस्सा हो गई? येसु, हमने आपको बचपन में ही बताया था, हमारी शादी तलवार से हुई है, याद आया? याद नहीं आया, अभी वो दिखाई भी दे रहा है। और अब आपको एक और काम करना होगा। क्या? आपकी शादी हमसे भी हुई है, ये अब तलवार से कह दीजिए। ठीक है, तलवार घर में आ जाएगी तब बता देंगे। घर में मतलब? घर में मतलब म्यान में, और येसु हमारी तलवार तब तक म्यान में नहीं आ सकती जब तक ये हिंदुस्तान मुगल, सिद्धि और पोर्तुगी से मुक्त नहीं हो जाता। इसका मतलब अभी बताना मुमकिन नहीं है? ऐसा है क्या? येसु लगाम लगाइए। रास्ता कठिनाइयों से भरा हुआ है, आगे किनारा है। Thank you.
येसु, 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 येसु। फिर ऐसा मजाक मत कीजिएगा। क्यों? पत्नी है आप हमारी। मगर आपकी शादी तो तलवार से हुई है ना युवराज? हाँ वो तो हुई है। तो फिर हमारे लिए क्यों परेशान हो गए आप? मालूम नहीं। क्या मालूम नहीं, भाग के क्यों आया? हमारे पास उसकी कोई वजह नहीं है। क्यों लगाई आवाज? उसकी वजह है। अच्छा क्या वजह? एक बात याद रखिए, ताकत के बिना वीरता प्राप्त नहीं होती, वीरता के बिना पराक्रम नहीं, और पराक्रम के बिना वैभव प्राप्त नहीं होता है। वैसे ही येसु के बिना संभाजी नहीं है। युवराज चलिए घोड़े पर बैठ जाइए। हमारा घोड़ा तो भाग गया। होशियार आपका घोड़ा। जरा बताइए अब हम कैसे आएंगे? हमारे साथ बैठकर। युवराज हमें शर्म आ रही है। की हुई गलती का दंड है ऐसा समझकर बैठ जाइए। युवराज हम आपके आगे बैठे। हाँ आगे ही, इंसान का कलेजा कहाँ होता है। हमें आज आपका एक अलग रूप देखने मिला। आपका भी? हमारा ऐसा कौन सा नया रूप देखा आपने? देख लिया, आज तक हमने सिर्फ आपका गुस्सा, जिद, शौर्य देखा था, लेकिन आज आपकी नम्रता को भी देख लिया। आज तक लोगों ने आपके माथे पर तीसरी आंख की ज्वाला देखी है, लेकिन आज हमने आपके माथे पर गंगा को भी देख लिया। येसु वो चेतना आपने हमें दी है। हमने? आपने, आपने हमें होश में लाया। इतना ही नहीं, हमें तो लगता है कि आपने हमें होशियारी भी सिखाई है। यस्य कटाक्ष मात्रेण जायन्त विबुधा नरा। मतलब? नहीं कुछ नहीं। यत्स्या कटाक्ष मात्रेन जायन्ते, ये श्लोक बुद्धभूषण ग्रंथ में से है ना? हाँ आपने पढ़ा है। अद्भुत। यत्स्या कटाक्ष मात्रे जायन्ते, इसका अर्थ है जिस इंसान की बस एक बार देख लेने से किसी को बुद्धि प्राप्त होती है, आप बिल्कुल वैसी हैं मां भवानी की तरह। युवराज आप हमारी तुलना मां भवानी के साथ क्यों कर रहे हैं? येसु अजी समझदार और मिलनसार पत्नी, ये मां भवानी का ही रूप है। आप हैं, हम तो एक आम इंसान हैं। यथा येकेण चक्रेणा नरकस्य गतिर भवे एवं पुरुषा कारेणा विना दैवम न सिद्ध्यति। इसका मतलब है कि जिस तरह एक पहिए से रथ चल नहीं सकती, तेजी प्राप्त नहीं होती, उसी तरह मर्दानगी कमाए बिना
भगवान की प्राप्ति नहीं होती। और यीशु किसी भी मर्द की मर्दानगी का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, उसके मन में स्त्री के लिए जगह। हम दोनों वही दो पहिए हैं, समान आकार समान रूप से दौड़ेंगे। हम पत्नी को कम दर्जा नहीं देते हैं, बराबर का दर्जा देते हैं। अब हमें समझ में आया आपका दिल कहाँ लगता है और किससे आपको खुशी मिलती है। अब आप देखते जाइए अब हम क्या करते हैं। क्या चल रहा है धारा भुआ? हाँ हाँ बोलो। हमारे इन्होंने लिखा है, ये बुद्ध भूषण ग्रंथ है। हमें पता है, लेकिन आपके इन्होंने लिखा है इसीलिए इतना कस के पकड़ा है आपने। रख दिया, आप ठीक है धरा भुआ? परसों की मुहिम में युवराज बहुत थक गए हैं, उन्हें आराम करना चाहिए। हमें पता है, हाथ का घाव लेकर यहाँ वहाँ घूम रहे हैं। सही कहा, इसीलिए हमने सोचा है युवराज जी का ये बुद्ध भूषण ग्रंथ अगर वे दरबार में सबके सामने पढ़कर सुनाए तो। अरे ये तो बहुत अच्छा होगा, विश्राम भी मिल जाएगा और सबको पता भी चल जाएगा। हाँ हाँ, ये तो पहले ही हो जाना चाहिए था, लेकिन बताएगा कौन और सुनेगा कौन? हम बता देंगे। नहीं, हम उनसे ये बात छुपा कर रखेंगे। सब तैयारी करेंगे, रानी साहब और महाराज को बताएंगे, पूरे प्रधान मंडल को भी इत्तला कर देंगे। बहुत अच्छे से सारी तैयारी करेंगे और फिर युवराज जी को अचानक से उनके आसन पर बिठा देंगे और फिर उनसे कहेंगे पढ़िए। कल? हाँ कल ही। तब तक हम युवराज को बंदी रखेंगे, कहीं जाने नहीं देंगे उन्हें। पंत हमारी जाने की तैयारी कीजिए, हमें जल्द से जल्द जाना होगा। अचानक? इतना क्या जरूरी काम है? जल्दबाजी है पंत, परसों हमने वो कय्यूम खान का किला जीता है और हमने रुंजाजी जाधव को वो किले का किलेदार बनाया। तभी बहुत लोगों की आंखें बड़ी हो गई थी। मोरो पंत ने तो विरोध भी किया था, उन्होंने कहा ये मुगलों का आदमी है, उस पर क्यों भरोसा कर रहे हो? पर हमने उन पे भरोसा किया, पिताश्री की नीति का इस्तेमाल किया और वहां हम कामयाब हुए। मतलब हुआ क्या? नीराजी चाचा, हुआ ऐसा है, हमने जल्दबाजी में कय्यूम खान से युद्ध करने का फैसला इसलिए लिया क्योंकि उसकी वजह थी किले पर आने वाली बड़ी बड़ी तोपें। वो तोपें किले पर पहुंचने से पहले ही किला जीतना जरूरी था, हमने उसे हासिल भी किया। पर तोप लाने वाली टुकड़ियों को युद्ध की खबर मिल गई थी, वो टुकड़ियां वहीं रुक गई, वापस जाने लगी। उसी दौरान रुणजाजी राव को किलेदार बनाकर हम रायगढ़ पर आ गए। रुणजाजी राव ने एक मजेदार चाल चली, तोप वापस ना जाए इसलिए उन्होंने कय्यूम खान को दस्तखत करके एक खत भिजवा दिया, युद्ध कय्यूम खान ने जीता है, किला मुगलों के हाथों में ही है, इसलिए बेफिक्र होकर तोप लेकर किले पर हाजिर हो जाइए। वाह, खलीता पढ़कर तोप किले पर हाजिर हो गई और रुणजाजी राव ने 2-3 दिन में उन्हें मीनार के ऊपर चढ़वा भी दिया। रुणजाजी राव ने एक बड़ा काम कर दिया। रुणजाजी राव के प्रदर्शन से ही जुंजर किला अब अभेद हो गया है। रुणजाजी राव ने हमें किले पर बुलाया है ये निश्चित करने के लिए कि दिशा कौन सी होनी चाहिए और तोप गोलों का अंतर कितना होना चाहिए, उसी लिए निकलना पड़ेगा।